अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम कोफ्तों का सालन बना रहे हैं और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। और जो कोफ्ते का सालन हम इस वीडियो में बनाएंगे, और जो कोफ्तों की रेसिपी थी वो पार्ट 1 कोफ्तों में आप देख सकेंगे, चिकन कोफ्ता पार्ट 1 में। और अब चिकन कोफ्ता पार्ट 2 में आप इसका सालन की रेसिपी देखेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, लहसुन अदरक का पेस्ट और एक टमाटर बारीक कटा हुआ, 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, गरम मसाला एंड पे हम डालेंगे, और 1.5 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच हल्दी और 1 चुटकी कलौंजी। तो चलिए अब हम और हमें चाहिए होगा इसके लिए कुकिंग ऑयल। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। एक देगची में आप कुकिंग ऑयल डाल दीजिए और उसके बाद इसके अंदर आप अनियंस ऐड कर दीजिए। प्याज लाइट ब्राउन हो गए थे तो हमने इनको बाहर निकाल दिया है, और अब हम इनको ग्राइंड करके हांडी में डाल देंगे। और यहाँ देगची में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट उसी ऑयल में डाल दिया था जिसमें से हमने प्याज को निकाल के रखा था। अब हम ये जो मसाला था सारा, ये अब हम इस देगची में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। चम्मच चलाएं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मसाले की भुनाई कर लीजिए। और ये जो टमाटर मैंने छोटे छोटे कट किए थे, इनको और प्याज को हम ग्राइंड कर लेंगे। ये जो प्याज हमने ब्राउन किया है लाइट ब्राउन, इसमें ये हमने टमाटर और हरी मिर्ची भी ऐड कर दी हैं, अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। देखिए इस तरह से टमाटर प्याज और हरी मिर्चें जो थी उनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको अपने देगची में डाल देंगे। ये मसाला अब भून चुका है, अब हम इसमें ये अपना जो हमारा ये हमने किया था जग, हम इसमें प्योरी जो ये हमने रेडी की थी, इसको आप इस तरह मिक्स कर लें। आप ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसकी भुनाई करेंगे हम। ये मसाला जो है ये भून गया है और ये ऑयल जो है ये ऊपर की तरफ आ रहा है बाहर को, तो इसका मतलब ये होता है कि मसाला अब हमारा भून चुका है। अब हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे। ये देखिए मसाला जब अच्छे से भून गया था तो मैंने कोफ्ते जो हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें अच्छे से चम्मच चलाऊँगी ताकि मसाला इसमें कोट हो जाए, और इसको कवर करके आप 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके रख दीजिए। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि थोड़ा सा इसका शोरबा हो जाए। ये देखिए हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और हमारे चिकन कोफ्ता रेडी है। ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं, इनका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होता है, इतना ज़्यादा डिलीशियस होता है कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। आप ख़ुद इसको ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा इसको, और आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे और आप चाहेंगे कि बार बार हम यही बनाकर खाएं। इसका टेस्ट वाकई बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। Thanks for watching the video.